अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो हम लोग आज कर रहे हैं फ़र्स्ट टाइम USA में बस में ट्रैवल। तो हम अपने स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, कार हमने नहीं ली, हम लिफ्ट से आए थे स्टॉप तक। बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो बस हमारी बस आने वाली है, बस आती है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। बस 12:10 पे आएगी और बारिश हो रही है, बस 2-3 मिनट में पहुंचने वाली है बस। तो दूर से हमें बस नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। गाइस यू कैन सी आ रही है बस, और ये बस आ गई। गेट खुल गया। चलो Attention riders, please maintain an appropriate distance from those around you. Atención pasajeros, por favor mantengan la distancia apropiada de aquellos a su alrededor. Ah, por favor. 169. और बस हमारी चल पड़ी है। हम यानी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम। हमने पाकिस्तान की कराची की बसें याद आ रही हैं जिसमें हम खड़े होकर सफ़र करते थे इन हैंडल्स को देख के, और जैसे ही ब्रेक लगती थी झटका लगता था और हम लोग गिर जाते थे। और हमारा जो सफ़र का वक्त है, यानी जो हमारा स्टॉप आने का टाइम है, वो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा बस में सफ़र है। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलेंगे। और एक और बात भी आपसे शेयर करें कि आज ईद का दूसरा दिन है और हमारे पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। मास्क पहनने की बार बार हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है। मुझे एक नज़म याद आ रही है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है। पूरी मुझे याद नहीं है, बस एक दो शेर याद है। कराची की बस में सफ़र हो रहा है, बगल में थी मुर्गी बस एक पर रह गया है, टमाटर के थैले में टर रह गया है। पाकिस्तान की 7 अप भी है और करना होता है उनकी सीट के साथ स्टॉप का साइन लगा होता है। ये रहा
तो उसको प्रेस कर देते हैं और फिर जो है बस रुक जाते हैं। आज क्योंकि सैटरडे है तो उसकी बस में इतना रश नहीं है, लेकिन जब वर्किंग डे होंगे बस में बहुत रश होता है। तो ये हम लोग बाहर आ गए हैं, हमारा स्टॉप आ चुका है, काफ़ी लंबा सफ़र था बट रियली एंजॉय। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।